गाइस बात करने वाले हैं इस वीडियो में मधुबाला शो के बारे में। मधुबाला एक इश्क एक जुनून शो की बात अगर करी जाए तो वाकई में जिस तरीके से शो का टाइटल है ना, शो की स्टोरी भी कुछ वैसे ही थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये आपको ऐसा कोई डीडी शो सास बहू ड्रामा टाइप का शो देखने को नहीं मिला था। जिस तरीके से शो का टाइटल है ना, ठीक वैसे ही शो की स्टोरी थी। यानी कि यहाँ पर आपको जोश और जुनून से भरी हुई लव स्टोरी देखने को मिली थी। यहाँ पर आरके और मधुबाला की लव स्टोरी देखने को मिली थी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। शो 2 साल तक ऑन एयर रहा था। इस बीच शो ने बहुत हाईएस्ट टीआरपी गेन करी, बहुत अच्छी टीआरपी गेन करी, यही वजह रही कि शो 2 साल तक चल पाया। ये शो अगर बात करें तो ऑफ एयर गए हुए शो को काफ़ी टाइम हो चुका है, 10 साल करीबन हो चुके हैं, लेकिन लगातार जो है डिमांड अभी भी चल रही है। लोग देखना चाहते हैं विवेन रिशैना को, लोग देखना चाहते हैं आर के मधुबाला की जोड़ी को। अभी देखना यह है कि सीजन 2 में क्या वही स्टारकास्ट लौट कर वापस आएगी या फिर यहाँ पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। चांसेस हैं कि आपको नए चेहरे देखने को मिलें, क्योंकि ज़्यादातर आप जानते होंगे मेकर्स की जो प्लानिंग रहती है वो सीजन 2 में स्टारकास्ट चेंज करने की ही रहती है। सभी मेकर्स की अगर हम बात करें तो वो सीजन 2 में एक नए जोड़ी लेकर आते हैं, एक नई स्टोरी लेकर आते हैं, रिप्लेसमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अभी देखना यह है कि इस शो के अंदर ऐसा क्या होने वाला है सीजन 2 में। फिलहाल तो खबरें यही चल रही हैं कि आपको आरके और मधुबाला एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। देखना यह है कि क्या सच में विवेन रिशैना और दृष्टि धामी इतने लंबे टाइम के बाद एक साथ फिर से देखने को मिल पाएंगे। कमेंट करके आप लोग अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर बताइएगा। विवेन की अगर हम बात करें तो फिलहाल वो नज़र आ रहे हैं उड़ालिया शो में। देखना यह है कि शो का ऑफर जाता है तो क्या वो शो को साइन करेंगे या नहीं। वहीं बात अगर हम करें दृष्टि धामी के बारे में, वेब सीरीज़ की तरफ वो ध्यान दे रही हैं, उधर रुख कर चुकी हैं और वहाँ पर वेब सीरीज़ पर अच्छा रिस्पॉन्स भी उन्हें मिल रहा है ऑडियंस का। लेकिन देखना यह शो का ऑफर जाता है तो वो नज़र आती हैं या नहीं। क्या कुछ कहना है ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।